टमाटर है, अच्छा, भाटा है, मिर्चा है, और ये मूली वगैरह, धनिया, पालक, ये सब है। मतलब सब्जी वगैरह कहीं खरीदने नहीं जाना है? नहीं, खरीदते तो हम है ही नहीं है। हाँ। हम तो है अब उतना अपना दूध उध में खा ले। अच्छा। हम बाजार से नहीं लाते अपने। अब देखा सब कुछ लगा है हमारी खेत में, और ये पुराना अब गल गए है, नहीं जैसा फूल फूला थी पुराण। अच्छा। कमल का फूल फूला था, अब वो गल आ गए है गर्मी में। अच्छा। फिर देखा ये छतिया जब कमल बनाते हैं, कमल गट्टा बनते हैं, वो होता है इसमें मखाना जैसे बनता है, वो होता है। अब गल आ गए है, अब होली के बाद आया फिर देखा, क्या बात है। नहीं, ये कुछ नींबू है कुछ लगाया है शायद, ये वो है चंदन। चंदन का पेड़ अंकल जी, जैसे चाय वगैरह है तो इसकी पत्ती डाल के चाय पीते हैं। चाय न तो हम ज्यादा चाय का इस्तेमाल करते, केवल तुलसी के। अच्छा। हमारे पास जमीन तो बहुत कम है, जमीन ये 4 बीघे का रकबा है। साथ ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है ये। अच्छा, ये सूख सा गया है जो? नहीं, सूखा नहीं, पतझड़ हो गया है। ये देखिए, कमरस खटाई की काम में आता है, कमरस। अच्छा, कमरस कहते हैं दादाजी? हाँ, इसी को कमरस कहते हैं। अच्छा। और ये जो बड़ा सा पेड़ है, ये चूर्ण वगैरह के बहेरा कहते हैं। ओ अच्छा, बहेरा है, बहेरा, बहेरा। त्रिफला में यूज होता है जो। कटहर के पेड़ वो खड़ा है। अच्छा। ये जैसे है चमेली है। अच्छा। रात रानी है। अच्छा। जैसे रात में फूल खिला तो बढ़िया, बढ़िया खुशबू भी आती है, खूब आती, बढ़िया। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम एक प्यार भरी कहानी आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बड़ोखर गांव में हैं। हमारे साथ दादाजी गुलाब सिंह जी हैं और दादी जी मौजूद हैं, और ये आवर्तनशील खेती करते हैं। यहाँ पर ये तालाब है जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो हमें पता चला है कि दादाजी मछलियाँ ना बेचते हैं ना खाते हैं दादाजी। नहीं, कुछ और खाते हैं, केवल शो के लिए है। शो के लिए है। और यही तालाब के किनारे इनका मकान है जिसमें कुछ जानवर भी पले हुए हैं, और पेड़ पौधे आप देखेंगे यहाँ पर, फल वाले वृक्ष लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम दादाजी के साथ पूरे खेत को घूमते हैं और पूरे खेत को बहुत कायदे से आपको दिखाते हैं। दादी जी राम राम, अपना नाम बता दीजिए। कमला जी। दादी क्या क्या है अपने खेत पे? अब देखा सब कुछ लगा है हमारी खेत में, और ये पुराण अब गल गए है, नहीं जैसा फूल फूला थी पुराण। अच्छा। कमल का फूल फूला था, अब वो गल आ गए है गर्मी में। अच्छा। फिर देखा ये छतिया जब कमल बनाते हैं, कमल गट्टा बनते हैं, वो होता है इसमें मखाना जैसे बनता, मखाना वो होता है। अब गल आ गए है, अब होली के बाद आया फिर देखा, क्या बात है, उठी फिर इतनी नीक, इतनी पुरानी या बड़ा फूल हो था, फिर देखा कि कितना नीक लगा। अच्छा, कमल की शोभा, मतलब तालाब की शोभा कमल से बढ़ जाती है। कमल से अभी आप कम वो अच्छा मानेंगे, जब कमल खिला होता है ना तो आप यही कहते कि हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए दादाजी, हम चलते हैं, सूर्य भैया साथ में चलते हैं, और दादाजी बताते जाइएगा कब से दादाजी मॉडल ये अपनाया आपने। कम से कम 10-11 साल होता है। अच्छा, 10-11 साल हो गए हैं आपको? हाँ। अच्छा। यही काम करते करते, और हमने न तो किसी से एक नया पैसा बोल लेते हैं। अच्छा। न किसी को देते हैं। अच्छा, आप देने जो लायक होते नहीं और लेते भी नहीं है। अच्छा, अपने बेटों से आप लेते नहीं है? दादाजी क्या तुलसी लगी है, क्या लगी है? है वृंदावन कहते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ये वृंदावन है, इसे हमें जैसे चाय वगैरह है तो इसकी पत्ती डाल के चाय पीते हैं। चाय न तो हम ज्यादा चाय का इस्तेमाल करते, केवल तुलसी के। अच्छा, केवल तुलसी के। हाँ, तुलसी को डालते हैं, तुलसी को। हाँ, चाय पत्ती भी कम इस्तेमाल करते। हाँ, हैं कि करते ही नहीं है? करते हैं, पर कम करते, कम करते हैं, तीनों मिला के बनाते हैं दादी। अदरक तो यहीं पैदा कर लेते हैं। अदरक, चलिए और दिखाते जाइएगा दादाजी। कर लेते हैं। कितने बीघा जमीन है ये दादाजी आपकी? हमारे पास जमीन तो बहुत कम है, जमीन ये 4 बीघे का रकबा है। 4 बीघे? हाँ, हम 5 भाई हैं। अच्छा। तो 4-4, 5-5 बीघा सब लोगों के अलग अलग बंटवारा है। बढ़िया। तो ये अमरूद हो गया दादाजी? अमरूद तो यहाँ नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा अमरूद वहाँ पे लगे हैं। अच्छा। हाँ है छोटा भैया,
अच्छा अच्छा भतीजे हैं आपके? हमारे बड़े भाई का लड़का है। अच्छा बढ़िया दादाजी, तो अमरूद हो गए यहाँ पर और ये तुलसी हो गई, और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर? यहाँ टमाटर है, अच्छा भाटा है, मिर्चा है, और ये मूली वगैरह, धनिया, पालक, ये सब है। मतलब सब्जी वगैरह कहीं खरीदने नहीं जा रहा है? नहीं, खरीदते तो हम है ही नहीं है। हाँ। हम तो है अब उतना अपना दूध उध में खा ले। अच्छा। हम बाजार से नहीं लाते, अपने लड़कों बच्चों के लिए ऊख भी। क्या बात है, दिखाइएगा, गन्ना भी लगा हुआ है। गन्ना भी उनके दादाजी के जो नाती पोते हैं, अगर उन्हें इच्छा है तो यहाँ गन्ने भी है कुछ, जो आप देख पा रहे होंगे। हम बेचने कहीं जाते नहीं, केवल इस्तेमाल भर करते हैं। जैसे आप लोग आ गए, अच्छा तो कह दिया कि भाई अब काट गन्ना काट देते हैं, आप बैठ करके चुहिए। अमरूद के समय में अमरूद खिलाएंगे। अच्छा। जो जो हमारे पास होगा साधन वो सब खिलाते हैं, हम बेचते तो है ही नहीं। बढ़िया दादाजी, और क्या क्या लगाया हुआ है इसमें आपने? आलू लगे हैं? आलू है, बैंगन भी दिख रहे हैं हमें, बैंगन के भी कुछ पौधे लगे हैं। ये टमाटर हो गया? हाँ, भाटा टमाटर है। हाँ। इधर हाँ, उधर है आलू, उधर। अच्छा, इधर आलू है। हाँ बिल्कुल, तो उस तरफ भी चलते हो। ये आप देखेंगे हमारे साथ, ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है ये। अच्छा, ये सूख सा गया है जो? नहीं सूखा नहीं। हाँ। पतझड़ हो गया है। अच्छा। और ये होली के बाद तक फिर खिलता है, फिर गर्मियों में खूब गड्ढा रहता है। अच्छा, गर्मियों खूब पत्तियां होती है? पत्तियां होती है गर्मियों में। बढ़िया, तो आप देखेंगे दादाजी की इस बगिया को, इस खेत को घूमने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से किसान हैं जो जुड़े हुए हैं। आंटी जी हैं, अंकल जी हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग है, इनसे भी हम मुलाकात कराएंगे। और हमारे साथ सूर्य भैया जो घाटमपुर से। अंकल जी कैसा लग रहा है अंकल जी खेत पे विजिट करके? दादाजी बहुत बढ़िया सर, एक ही जगह जो है, हर पौधे हैं, हर जो है, ये तो जो है हम लोगों की तरफ, उधर तो जो है अलग अलग लगाया जाता है। यहाँ कम से कम ये ज्ञान हुआ कि एक ही जगह जो है हर किस्म के पौधे जो है लगाए गए हैं। मतलब बाजार पे निर्भरता बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल नहीं है। बढ़िया, चलते हैं अंकल जी और दादाजी दिखाते हैं, दिखाते जाइएगा आप। ये क्या मेथी है? मेथी है ये। अच्छा, ये मेथी है, ये गांठ गोभी है। अच्छा, मतलब पत्ता गोभी? हाँ, ये पत्ता हो गया, ये फूल हो गया, ये तीनों गोभी। अच्छा अच्छा, ये क्या है, कुछ लगाया है? पालक? नहीं, ये कोई कुछ नींबू है, कुछ लगाया है शायद। ये वो है चंदन, चंदन का पेड़ है, सफेद चंदन है। अच्छा, और ये है लाल चंदन। अच्छा, लाल चंदन, ये लगा है। क्या बात है, चाहिए लाल चंदन है? ये लाल चंदन है। बढ़िया अंकल जी, अब देखिए तैयार होते हैं नहीं होते। हाँ, ये नहीं होंगे हमारी फसल के। हाँ बिल्कुल, साथ हो जाते हैं। कटहल है, ये कटहल लगा हुआ है, कोट वाला पत्थर, ये हरी पत्ती हो गई, ये टमाटर हो गए। बढ़िया, और ये गेहूं, आलू देखिए। हाँ, ये दिखाइएगा, ये आलू भी लगे हैं। मतलब दादाजी और दादी जी को कहीं जाना नहीं है, यहीं से आलू खोदने और बढ़िया आलू और गोभी की सब्जी बनानी है। क्यों दादाजी? केवल यहीं से, यहीं से इस्तेमाल करते हैं अपना धनिया, मेथी, पालक, जो जो खाने की चीजें हैं सब, चाहे हो थोड़ी। हाँ। पैदा करते हैं। बढ़िया आंटी जी, क्या कहेंगे दादाजी का मॉडल कैसा लगा खेती? हाँ, किसानी देख के दादाजी का खेत हमको बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत है, ऐसे ही जाकर हम भी अपने गांव में करेंगे। तालियां होनी चाहिए। तो ये देखिए दादाजी के इस मॉडल को आंटी जी भी फॉलो करेंगी। और प्रेम सर हैं जिनकी यहाँ बगिया है, वो भी आवर्तनशील खेती करते हैं। दादाजी प्रेम सर से क्या क्या मदद मिली? मिली है कुछ नहीं मिली है मदद? प्रेम सिंह से हमें मतलब ये संपर्क है कि जैसे किसी चीज की मदद कर लेना है तो उन्हीं से हम मदद लेंगे। बढ़िया बढ़िया, और हम गांव में किसी से नहीं, केवल प्रेम से। बढ़िया दादाजी, आपके बेटे जो हैं वो आपकी मदद कराते हैं खेती किसानी में? कराते हैं, मतलब वो कुछ तार पर ही चलाता है कोई। अच्छा। और कोई ट्रैक्टर चलाता है, इससे दिन में आए तो अपना जानवर भैंसी हम बांध गए। अच्छा। तो हम दिन भर उनकी सेवा करते रहे और शाम के अपना छोड़ के ले गए। कितनी गाय भैंस है अपनी? हमारे पास 5 भैंसे हैं। अच्छा, की जबकि वो 5-5-6-6 किलो से कम दूध दे। बढ़िया, तो सुबह का 30 लीटर लगभग यहीं से बिकता है, बिक जाता है, सुबह भी 30, शाम को भी 30, यहीं से बिकता है। बात है, तो ये देखिए दादाजी है और दादी है, नहीं कहीं तालियां होनी चाहिए हर इनके श्रम के लिए।
बताइए, 4 बीघे जमीन है और 6 भैंसे लगभग है, और सोचिए कि अगर 60 लीटर ही सूर्य भैया कितना हो गया टोटल, अगर 60 के हिसाब से भी 50 के हिसाब से भी जाता है तो लगभग 3000 रुपए बन गए एक दिन के। 40-45 का हिसाब। बढ़िया, तो लगभग मतलब 2 से 3 हजार के बीच रोज का बन जाता है। तो ये सोचिए, एक सरकारी मास्टर जो होता है वो लगभग 60-70 हजार सैलरी कमाता है। हमारे दादाजी है गुलाब सिंह जी, जिनकी इतनी उम्र हो गई है और ये सरकारी मास्टर से ज्यादा तनख्वाह पा रहे हैं और स्वतंत्र हैं। बढ़िया, दादा दादी दोनों लोग खुशी खुशी यहाँ पर फार्म पर। ये नहीं है कि हमारे पास धन ही इकट्ठा हो जाए, मतलब नहीं। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूर्य भैया, इस मॉडल को लेकर क्या कहना है आपका? आप भी एक किसान है, उन्नतशील किसान है, हम चाहेंगे आप यहाँ पर आए और दादाजी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा क्या लगा आपको देखकर, दादाजी की मेहनत को देखकर यहाँ पर? देखिए, हम लोग तो पढ़ने लिखने के बाद में मॉडल बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, प्रयास करते हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे ये। और दादा चूँकि परंपरागत तरीके से खेती किसानी में बहुत पहले से हैं ही और उनका जीवन भी इसी में है, ये जो मॉडल है ये इस तरीके का जो मॉडल है जिसमें इनकी बाजार पर निर्भरता लगभग लगभग ख़त्म है। और सबसे बड़ी किसान की यहाँ समस्या यही है कि सब्जी लेने जा रहा है, हल्दी लेने जा रहा है, धनिया लेने जा रहा है और फल लेने जा रहा है, तो इन्होंने जो मॉडल बनाया है इस तरीके का मॉडल बनाया कि इनको बाजार की डिपेंडेंसी इनकी बहुत कम हो गई, ना के बराबर, कुछ ही चीज़ों में जाना पड़ता है और यही सबसे बड़ी किसान की जीत है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, जो इनके खाने से अधिक निकलता है, वो बाजार इनके सामने हाथ फैलाता है, फैलाता है और उसको सेल कर देते हैं। तो ये मॉडल बेस्ट है। तालाब के किनारे ही इतनी चौड़ी जगह पर इन्होंने अपना घर भी बना रखा है, जानवर भी बंध रहे हैं और बाकी खेत में इनका, मतलब तालाब की जो बाउंड्री है उस पे सारा सेटअप है, सेटअप है, बाकी अपना खेत में सारा चीजें लगी हैं। तो ये बेस्ट मॉडल है और जबरदस्त मॉडल है, बढ़िया। तालियां होनी चाहिए फिर से दादाजी के लिए। स्वदेशी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपने। मैं तो बहुत बड़ा प्रभावित हुआ कि दादाजी की उम्र जानना चाहता हूँ कितनी है, और मैं भी ये पूरा अबे मतलब बुढ़ापे में करेंगे नहीं करें, अभी से ही लगना है। बढ़िया, पिछले साल हमें जाने यही प्रेम सिंह की बगिया में, अच्छा, वो बड़े अफसर आए थे, अच्छा, तो उन्होंने 21,000 हमें तत्काल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। उम्र क्या हुई दादा? क्या उम्र होगी दादाजी? 75 से ऊपर है, 75 से 80 है नहीं है, 75 के ऊपर है। बढ़िया, चलिए चलते चलते दादाजी ये बताइए, दादाजी खाद में क्या कुछ अलग से डालते हैं या वही तालाब वाली हो जाती है? नहीं, वही हम खाद बना करके डालते हैं। अच्छा, गोबर, गोबर वाली, गोबर गोबर की है, घास वगैरह सब काट करके उसमें मिलाते हैं। बढ़िया, इधर पे इधर इधर, अच्छा उस तरफ जाना है, बढ़िया। भैया भाभी आपसे भी जानना चाहूँगा, भाभी जी कैसा लगा ये मॉडल देखकर दादाजी का? भैया मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ। अच्छा, और पिछली बार भी आई थी तो बहुत अभिभूत हो गई थी कि ऐसा भी इस उम्र में अब बाबा जी इतना बढ़िया कर रहे हैं, और मुझे वहाँ से काफ़ी प्रेरणा मिली कि हम लोगों को भी इसका करना चाहिए। हम लोग भी पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लेकिन जिस लेवल पे बाबा जी इतनी शिद्दत के साथ इस उम्र में कर रहे हैं, इसे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या बात है, तो हमारे जो युवा किसान भाई हमें देख रहे हैं वो भी बहुत इंस्पायर्ड होंगे और हमें उम्मीद है कि आगे जाकर वो भी खेती करेंगे, और जो खेती को नकारा समझते हैं, जो ताने देते हैं, वो भी ये जानेंगे कि किस तरीके से 4 बीघे से ही हम एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और एक ऐसा पैसा है जिस पर हमें गर्व होता है और हम स्वतंत्र रूप से खुशी खुशी। अच्छा अच्छा, कटहल का पेड़ कहाँ लगाए दादाजी? हाँ वो जो आप बता रहे थे। अच्छा, वो पेड़ बताइए कहाँ है? ये क्या अमरूद हो गया? और अमरूद है। अच्छा, चलिए ले लीजिए दादाजी, और अंदर तक हमें ले आए हैं। ये देखिए, कमरस कटाई की काम में आता है, कमरस। अच्छा, कमरस कहते हैं दादाजी? हाँ, है? कमरस कहते हैं। अच्छा, ये जो बड़ा सा पेड़ है ये चूर्ण वगैरह के बहेरा कहते हैं। ओ अच्छा, बहेरा है, त्रिफला में यूज होता है जो कटहल के पेड़ वो खड़ा है। अच्छा, इसके फल कितने बड़े होते हैं? इसके फल 18 से 20 किलो तक का एक फल होता है। अच्छा, 18 से 20 किलो तक पहुंच जाते हैं? हाँ, खूब आराम से। बढ़िया, वैसे तो 3-4 पेड़ है कटहल के, मतलब वो छोटे हैं, और ये पहले का है तो ये खूब फल देता है। क्या बात है, कम से कम नहीं देते तो 50-55 फल इसी में आते हैं। बढ़िया, तो ये देखिए दादाजी के इस हम खेत पर थे जो स्वर्ग के समान है, और दादाजी दादी जी अभी दोनों लोग इतनी उम्र होने के बावजूद स्वस्थ हैं
और हमें उम्मीद है कि ये 100 साल से भी आगे जाएंगे और एक सेंचुरी मारेंगे, शतक मारेंगे और यूं ही खुशी खुशी खेती करते रहेंगे। भैया आपका भी क्या कहना, आप भी आवर्तनशील खेती कर रहे हैं? जी भैया, तो इस मॉडल को देखकर हम लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं ये देखने के लिए कि दादा किस तरह से खेती कर रहे हैं। और हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध हैं कि एक एकड़ में इस तरह का जो है मॉडल जिसमें कि आप एकदम आत्मनिर्भर हैं तो बहुत बेहतरीन है। बढ़िया, बहुत दादाजी लगता है कुछ और भी दिखाने वाले हैं, हम देखते चल के। अंकल जी भी हाई कोर्ट के वकील हैं और अंकल जी आई थिंक ऐसे मॉडल और देखे हैं आपने अंकल जी की इतनी उम्र होने के बाद? नहीं नहीं, बस इसी उम्र में ये देख रहा हूँ मॉडल। क्या बात है दादाजी, ये क्या क्या लगाया हुआ है? ये नींबू है, नींबू है। अच्छा, ये नींबू है, नींबू है, ये फल है, 12 महीने में आप तोड़ पाए। अच्छा, 12 महीने फल लगे होते हैं, बढ़िया फूल में कस गए। अच्छा दादाजी, और दशहरी आम भी आपने बताए थे, दशहरी आम भी लगे हुए हैं? उधर नहीं, आपने देखा? अच्छा, वही है, यहाँ ये भी है। अच्छा, ये भी बढ़िया। तो हर प्रकार के फल यहाँ पर है, बहेरे यहाँ पर है, आम यहाँ पर है, आंवला यहाँ पर है, ये खाद इस तरह की बनाते हैं। अच्छा दादाजी, अच्छा ये गोबर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, ये खाद इस तरह की तैयार करते हैं। ओहो बढ़िया, भुरभुरी भुरभुरी बना देते हैं, इसी को खेतों में डाला जाता है। मतलब यूरिया और डीएपी वगैरह नहीं यूज करते हैं? कुछ यूरिया डीएपी का नहीं, तो ये सीधा सारी चीजें पर मतलब घूर टाइप है क्या? घूर टाइप, बिल्कुल घूर ही, गड्ढा है, गड्ढा है, घूर ही प्रकार जो ये जो डालते हैं, पानी डालते हैं, 15-20 दिन के बाद में पानी डाल दिया, कनस दिया। अच्छा, ये जो ऊपर ऊपर पत्ते पड़े, अच्छा, सब गल के इसी में मिल जाते हैं। बढ़िया, तो और अच्छी खाद हो जाती है, जितने पत्ते डालेंगे उतने खाद और अच्छी बनती। बढ़िया, तो हम दादाजी के खेत पर, दादाजी और भी कुछ खास बचा है जो आप बताने और दिखाने वाले हैं कि हो गया पूरा खेत विज़िट? नहीं अब है, क्या है और? उस तरफ चना का खेत है। अच्छा, हाँ। और क्या क्या आप बता दीजिएगा, चलते भी चलते हो, बताते भी जाइएगा आप। चलिए, यहाँ पे जो गाय है ना, अच्छा, गाय की यूरिन भी इसी तालाब में जाती है। अच्छा, क्या बात है, तो एक फर्टिलाइजर का जो पानी जो होता है, पानी सीधे खेत में। क्या बात है, तो एक फर्टिलाइजर काम वो भी करता है और क्या, वो भी बहुत बढ़िया। जो पत्तों का अवशेष गिर रहा है, हाँ, वो भी सब इसी में सड़के और उसके न्यूट्रिशन में। क्या बात है, चारों तरफ पत्तों से ये तालाब ढका भी हुआ है और आंवले भी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गंदा हुआ, अच्छा दादाजी, पानी फेंक खेतों में फेंक देते हैं, हाँ। और नया पानी भर देते हैं। अच्छा, बढ़िया। आंवला कितने दिन में फल देने लगता है? ये आंवला जैसे कलमी है अगर, हाँ। कलम वाला, हाँ। तो वो तो 3 साल में फल देने लगता, अच्छा। है, हाँ। अगर वो बीजू है, हाँ। तो 10 साल के पहले वो फल नहीं देते। तो कलमी हमको आप कैसे दे सकते हैं? ये नर्सरी वालों से, नर्सरी वालों से पूछना पड़ेगा। तो हमें लगता है आंटी जी अभी से जाकर वहाँ आंवले के पेड़ रोप देगी, लगाएंगे क्योंकि मेरे यहाँ लगा है लेकिन फल नहीं देते। अच्छा, लगा है 2 ठो ये, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं एकदम कितना कमाल है। तो चलिए हम इस वक्त दादाजी की, कटहल का पौधा चाहिए तो वो है हमारे पास। बढ़िया, कल लाएंगे। हाँ ठीक है दादाजी, अपनी गौशाला जो है और जो गाय भैंस बंधी है वो और दिखा दीजिएगा। भैंसे तो चली गई, गाय घर, भैंस घर पे चली गई, गाय बंधी है यहाँ पर। गाय, गाय और देख लेते हैं आपकी। तो ये देखिए दादाजी के तालाब, दादाजी मछलियाँ, दादाजी मछलियाँ ना बेचने का क्या मतलब है? क्यों नहीं बेचते मछली? मछलियाँ बेचेंगे तो उससे भी पैसा आ सकता है। कि हमें पास जो कुछ है, जैसे जो कोई हमसे मांग ले वही सब देने को तैयार है। बढ़िया, क्या बात है, ये होता है दिल, ये होता है समर्पण और ये होते हैं हमारे देश के किसान। जैसा कि दादाजी बता रहे हैं कि जो भी हमसे जो कुछ मांग लेता है हम दे देते हैं। दादाजी कहाँ, यहाँ बंधी है गाय? ये कटहल का है। अच्छा, ये कटहल का पेड़ पीस है ये? अच्छा, इसी में लिपटा है। हाँ, इसका कोई यूज नहीं है मतलब? नहीं, अच्छा लग रहा है पेड़, लता है, अच्छा लगने के लिए। ये जैसे है चमेली है, अच्छा, रात रानी है, अच्छा, जैसे रात में फूल खिला तो बढ़िया, बड़ी खुशबू भी आती है, खूब आती। बढ़िया अंकल जी, हमको केले के पेड़ दे सकते हैं आप? केले के, हाँ, क्यों नहीं दे दीजिए, हम कल बनारस जाएंगे। आंटी जी तो कितनी सवेरे की अभी नहीं, नहीं। अरे कल दोपहर बाद या शाम अगले दिन जाएंगे, क्या है दिक्कत है? नहीं कल ही जाना है ना, तो कल ही चलो दोपहर बाद, तो सुबह सुबह आप मंगवा लीजिए। हाँ। बढ़िया, तो इस वक्त हम बांदा जिले में हैं और ये बड़ोखर गांव है, दादाजी की गौशाला भी, जो गाय भी है यहाँ, बोर है आप देख पा रहे होंगे और गाय भी बगल वाले
घर में बंदी कहाँ बंदी है दादाजी? ये ट्यूबवेल है। अच्छा, ये ट्यूबवेल हो गया, ये जैसे वो तालाब में पानी डाला और तालाब में दूसरा ट्यूब वो डाले। अच्छा, सटक। हाँ तो जैसे वो गंदा हुआ तो उसको निकाल के खेतों में तो वो खाद अच्छी खाद बन जाती है वो। चलिए गाय और आपकी देखिए, गाय देसी है या जर्सी है, कैसी है दादाजी? देसी गाय है सब? देसी है। बढ़िया। तो ये पाले हैं। अच्छा, दो कुत्ते पले हैं? हाँ, अपने रक्षा के लिए। बढ़िया, सुरक्षा करते रहते हैं ये। बढ़िया। और ये देखिए, ये हमारी दादी बैठी हैं और ये गायें हैं जो भीड़ की वजह से थोड़ा डर रही हैं। और गांव की सर्दी ना लगे इस वजह से फट्टा भी इनके ऊपर जो है वो बांधे गए हैं। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बड़ोखर गांव में, और ये दादा दादी की एक खूबसूरत सी कहानी थी, खूबसूरत सा खेत था, और जहां पर ये दोनों लोग प्यार से खुशी खुशी रहते हैं। तो आपको ये खेत कैसा लगा और दादा दादी कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिएगा जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद। थैंक यू दादाजी, धन्यवाद।